आज के इस टाइम पे गूगल पे अपने आप को कौन नहीं देखना चाहता, चाहे बच्चे से लेके स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो या सेलिब्रिटी हो, कोई एक्टर हो, कोई भी हो। आज कोई हर कोई बोलेगा कि कोई भी अगर मेरे नाम सर्च करे गूगल पे तो उसको मेरी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गूगल के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, हर जगह मेरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऐसे ही जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट अगर मैं अपना नाम गूगल पे सर्च करता हूँ तो लेट से मैंने जस्ट यहाँ पे ER के बाद K लिखा, जस्ट मैंने यहाँ पे K लिखा, उसने ऑटोमेटिकली सजेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीज़ गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होती है वो उसको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो लोग मेरे बारे में बहुत सर्च करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जस्ट अपना नेम यहाँ पे सर्च किया तो उसने राइट साइड पे मेरे को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरी यहाँ पे फोटोज़ दिखा दी, उसने गूगल मैप की लिस्टिंग दिखा दी। उसके बाद लेफ्ट साइड पे मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखा रहा है, यूट्यूब का चैनल दिखा रहा है, मेरी वेबसाइट दिखा रहा है। उसके बाद जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी होंगी यूट्यूब पे वो सारी दिखा रहा है, चाहे वो मेरी मशीन लर्निंग के रिलेटेड है या पाइथन के रिलेटेड है, या क्वेरा के ऊपर मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है, फेसबुक के ऊपर मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है, या मैंने नौकरी के ऊपर कुछ अपडेट की होंगी, जॉब ओपनिंग्स वो दिखा रहा है। उसके बाद machinelearning.org वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है। ऐसी अगर मैं सेकंड पेज पे जाऊँ, थर्ड पेज पे जाऊँ, फोर्थ पेज पे दिखाऊँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी दिखाता रहेगा। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, कैसे लेके आते हैं, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि जो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है ये उससे रिलेटेड नहीं है। बट हाँ, ये चीज आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। इसको कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आ जाएं, आपकी जितनी भी लिंक्स हैं, आपकी वेबसाइट के लिंक्स हों, वो सारे के सारे जस्ट आप ही के नाम पे वो टॉप पे आने चाहिए, राइट साइड पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड CEO आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा जो आज का मेन मोटिव है, जो इस वीडियो का टाइटल भी है कि ऐड मी टू सर्च, कि सर्च इंजन पे जो गूगल ने ऑप्शन दी है कि उसको आप कैसे लेके आ सकते हैं। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ऐड मी टू सर्च, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये ऐड मी टू सर्च जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर वर्क करती है, अभी डेस्कटॉप के ऊपर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप इसको मोबाइल पे लिखते हो देन आपको वो सारी ऑप्शन दिख जाएंगी। अब सेम चीज़ अगर आप मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास मोबाइल अभी नहीं है, आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, देन इसको हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन को मोबाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल की ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप मोबाइल के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लोगे, आपकी जो विंडो है वो मोबाइल साइज़ में आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ और वापस से यहाँ पे चलते हैं और ऐड मी टू सर्च पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड मी टू सर्च पे क्लिक किया, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऐड मी टू सर्च की ऑप्शन आ चुकी है और नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्यू एग्जाम्पल, कि अगर आप अपने आप को एक सर्च इंजन रिजल्ट के ऊपर आप अपने आप को ऐड करना चाहते हो, अपनी प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप अपनी हॉबीज़ लिख सकते हो, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक कर सकते हो, उसको कैसे लिंक करना है, उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे चलते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर। तो मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको एक जीमेल का अकाउंट चाहिए, तो वो मैं यहाँ से जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो जैसे ही आपको अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास वो सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पे शो कर रहा है वो हम यहाँ पे से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज चेंज कर सकते हो, जो भी आप इमेज शो करवाना चाहते हो वो आप यहाँ से शो कर सकते हो। उसके बाद लोकेशन, आप कहाँ पर रह रहे हैं वो आप सारी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं लुधियाना से हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन डाल दूंगा। सो अबाउट मी, सो आई एम फाउंडर एंड CEO एट आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। ऑक्यूपेशन अगेन सेम, अबाउट मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, ऑल्सो आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। एंड ऑक्यूपेशन में लेट से यहाँ पे जो भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जो भी हैं, या आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एज अ डेटा साइंटिस्ट हूँ, वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। वर्क, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वो कंपनी का नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से आई एम वर्किंग इन आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। एजुकेशन, आपने जहाँ से लिया है वो आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ वो मेरे को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं LPU को ऐड कर रहा हूँ। होम टाउन जो है वो मेरा लुधियाना में है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वेबसाइट, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी कंपनी की वेबसाइट ऐड कर देता हूँ।
उसके बाद आपकी सारी की सारी सोशल प्रोफाइल्स, जिसमें से पहली आपकी फेसबुक है, और यहाँ पे जस्ट मेरे को अपना फेसबुक का यूआरएल ऐड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोफाइल को ऐड कर दूंगा, सेम वे लिंक्डइन के ऊपर। तो वैसे भी अगर मैं गूगल पे सर्च जाऊँ, यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएगी, मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी, क्वेरा के ऊपर सारे के सारे आ जाएंगे। ऐसे ही मैं ट्विटर के ऊपर आ जाऊँगा, सब कुछ आ जाऊँगा, तो सारी की सारी प्रोफाइल्स मेरी यहाँ पे शो कर देगा। सो लेट्स से मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये मेरा यूट्यूब का चैनल यहाँ पे शो कर गया। एंड सेम वे अगर मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आना है, तो सारे के सारे यूआरएल जो हैं वो मेरे ईयर करण अरोड़ा के नाम से हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड फर्दर नेक्स्ट प्रोफाइल हमारी लिंक्डइन की थी, तो ये रही हमारी, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ऐसे बाकी की प्रोफाइल भी आप ऐड कर सकते हो, सेम ट्विटर के ऊपर भी मेरा सेम यूआरएल है। एंड सेम अगर मेरे को अपना यूट्यूब का चैनल ऐड करना हो, तो ये मैं चैनल को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यूट्यूब ऑलरेडी आगे एडिड है, उसके बाद सेव कर लेते हैं। तो जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पे सारी की सारी लिंक हो चुकी हैं। उसके बाद जस्ट आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर दोगे, आपके सारी की सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो लिंक हो चुकी हैं। एंड उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी शो करवाना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी अगर आपको ये शो करवानी है, आप ये शो करवा सकते हो। इन केस अगर आप कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हो, तो आप वो भी दे सकते हो। एंड उसके बाद जो भी आप फ़ोन नंबर यहाँ पे शो करवाना चाहते हो, तो मैं यही फ़ोन नंबर शो करवाना चाहता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब जस्ट मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है, कि अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो देखने में एक ऐसा दिखता है। सो जो मेरा जो कार्ड है वो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा, कि नेम दिखा देगा, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन आई एम लिविंग, सो आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ इन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, वर्किंग एट इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, एजुकेशन मेरी एलपीयू की है, होम टाउन मेरा ये है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी ईमेल, फ़ोन नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सारे के सारे उसने यहाँ पे शो कर दिए। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जस्ट उसके बाद मेरे को अपना कार्ड देखना है, तो व्यू सर्च कार्ड पे क्लिक करेंगे। सो जस्ट मैंने यहाँ पे अपना नेम सर्च किया, तो जैसे ही मैंने अपना नेम सर्च किया, यहाँ पे उसने मेरे को पूरी की पूरी मेरा जो विजिटिंग कार्ड है वो मेरे को यहाँ पे शो कर दिया, जहाँ पे भी मेरा वर्क लोकेशन है, जहाँ पे भी मेरी एजुकेशन है। और अगर मैं किसी भी यहाँ पे सोशल आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो वो मेरी प्रोफाइल खोल देगा, मेरी इंस्टाग्राम खोल देगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे फेसबुक खोल देगा। तो जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, वो सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सो बहुत ही ईजी है, भी आप भी अपने आप को यहाँ पे गूगल के ऊपर बहुत ईजिली लेके आ सकते हो। बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर आप पर्सनली अपने आप को एज अ ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था स्टार्टिंग में, राइट साइड पे आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट साइड के आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पब्लिकली कोई भी जाके सर्च करे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने आप को कैसे लेके आ सकते हो। विकिपीडिया पे आप अपनी प्रोफाइल को लेके आ सकते हो, आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वेरीफाई करवा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स हैं यहाँ पे। इसके लिए आप मेरी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें ये बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली, कि कैसे आप ये चीज़ लेके आ सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी सिंगल रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो वाकई में ही अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू सो मच।